न्यूट्रिशन का टॉपिक हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हमने डाइजेशन इन अमीबा को देखा था। उसी एक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रा का ताल्लुक इनवर्टिब्रेट्स में ग्रुप नाइडेरिया से है। यही वजह है कि इसको नाइडेरियन भी कहा जाता है। ये वो एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल देखें, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी तीन लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा है डिप्लोब्लास्टिक, जिनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं। और हाइड्रा की बॉडी अगर हम देखें तो एक वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुलदान की तरह की इसकी बॉडी होती है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है यूँ, और ढेर सारे इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो सेंट्रल कैविटी आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये बेसिकली हम इसे कहते हैं, ये है डाइजेस्टिव कैविटी। और इस डाइजेस्टिव कैविटी का स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो वेस्क्युलर कैविटी। हाइड्रा की जो बॉडी है, इसके अंदर इंजेशन और इजेशन, यानी कि फूड जो बॉडी के अंदर आती है और बॉडी से जो बाहर जाती है वो माउथ के थ्रू जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप समझ लें कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इसका माउथ है। और क्योंकि सेम ऑर्गन यूज़ हो रहा है इंजेशन के लिए भी और इजेशन के लिए भी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजेशन का मतलब है फूड का बॉडी के अंदर आना, और इजेशन का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर जाना। दोनों कामों के लिए यहाँ पे माउथ यूज़ हो रहा है। हाइड्रा का ताल्लुक ग्रुप सेलेंट्रेटा से है। और यहाँ पे अगर आप इसकी बॉडी पे गौर करें, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये मैंने कहा था कि ये हैं टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाइड्रा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये इसको प्रे में, यानी कि जो इसका शिकार है वो उसको पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा टेंटिकल जो है वो किसी हद तक इसकी मूवमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। टेंटिकल्स जब हिलते हैं, मूव करते हैं, तो इनसे स्पेशल करंट्स जनरेट होते हैं पानी के अंदर। और इसके साथ साथ टेंटिकल्स के ऊपर कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं कि वो स्प्रे को या जो इसका शिकार है वो उसको पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हम कहते हैं कि इन टेंटिकल्स के ऊपर जो है, मैंने कहा कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट्स। अब ये जो नेमेटोसिस्ट हैं, हर नेमेटोसिस्ट के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह लें, या थ्रेड ही होता है बेसिकली। ये एक होलो थ्रेड होता है, यानी कि अंदर से खाली होता है, और एक कैप्सूल के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैप्सूल जो है वो आप समझ लें कि कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर है। सॉरी, मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस कैप्सूल के अंदर ये कॉइल्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से जो है वो ये होलो थ्रेड प्रेजेंट होगा। अब होता क्या है कि आम तौर पे ये हाइड्रा के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है, लेकिन जब भी कोई प्रे यानी कि कोई भी शिकार इस हाइड्रा के बॉडी के करीब आता है, तो ये जो थ्रेड है या नोमेटोसिस्ट के अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट है, ये अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस थ्रेड के अंदर से एक पॉइजन इजेक्ट होगा, और इस पॉइजन और इन टेंटिकल्स की मदद से वो फिर शिकार को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, माउथ के थ्रू बॉडी से अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो
आपको हाइड्रा की बॉडी जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पे नीचे वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं बेसल डिस्क, और ऊपर जो है वो टेंटिकल्स हैं, और ये मूविंग फॉर्म में आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बताया गया है कि टेंटिकल्स जो हैं वो इनके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप इनको जूम करके देखें तो इस तरह से आपको ये जो नेमेटोसिस्ट है इनके अंदर, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर होलो थ्रेड जो है वो पाया जाता है, और अगर आप इसके अटैकिंग एक्शन को देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक नाइडोब्लास्ट सेल जो है वो दिखाया गया है जो कि डिस्चार्ज फॉर्म में है, सॉरी डिस्चार्ज नहीं अनडिस्चार्ज फॉर्म में है, और आपको यहाँ पे होलो थ्रेड भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप कैप्सूल देख सकते हैं, और इस कैप्सूल के ऊपर यहाँ पे आपको एक लिड नज़र आ रही है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो पॉइजन प्रेजेंट होता है जो कि शिकार को पकड़ने या उसको मारने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैकिंग एक्शन, और इसके अंदर आपने देखा कि कैप्सूल के अंदर से ये जो थ्रेड है ये बाहर की तरफ आ गया, और ये जो होलो थ्रेड था इसके अंदर पॉइजन था, और अब होगा क्या कि जो भी शिकार होगा उसके ऊपर ये पॉइजन आके गिरेगा, और इस पॉइजन की मदद से शिकार जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा या पैरालाइज्ड हो जाएगा या किल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद होगा क्या कि टेंटिकल्स की मदद से वो बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, इस फिगर के अंदर आपको हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो फूड है वो इसकी बॉडी के अंदर आ चुकी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और डाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का क्या है कि एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो कहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, वो हमने कहा है कि यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो हमने कहा था ये वाली कैविटी है पूरी के पूरी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, उनके रिलीज़ होने से ये जो फूड है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। तो ये क्या है, ये बेसिकली सेकेंड स्टेप है डाइजेशन का कि फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फूड जो है यहाँ पे टूट चुकी है। यहाँ पे ये जो जूम्ड इन आपको इमेज नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें गैस्ट्रोडर्मिस का, गैस्ट्रोडर्मिस क्या है, ये वाली लेयर है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ ये जो लेयर है ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फूड पार्टिकल्स टूटते जा रहे हैं वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते जा रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब करी है या एनगल्फ करी है, वो किस तरह से, यहाँ पे आप देखें कि आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सेल्स हैं। ठीक है, और सेल क्या कर रहे हैं कि वो इन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करें, एनगल्फ करें। ठीक है, तो ये पर्पल कलर से जो आपको शो हो रहा है क्या है, ये फूड है, और रेड कलर से जो आपको शो हो रहा है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है सेल की। अच्छा, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जब हमने बात की थी तो इसके अंदर छोटे छोटे फ्लैजलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उनकी मूवमेंट से क्या होता है, एक तो वो मूव कर रहे होते हैं, उसके अलावा ये जो हाइड्रा है इसकी पूरी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, जिसकी मदद से होता ये है कि जो फूड है वो मिक्स हो जाती है विद एंजाइम्स। ठीक है, तो जो फूड है वो एंजाइम्स के साथ मिक्स हो रही है, और जो फूड ब्रेकडाउन का जो स्टेप है वो भी इसी की मदद से इजी हो जाता है। यही वजह है कि फूड जो है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। तो ये हमने देख लिया डाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इजेशन का। इजेशन क्या है कि बॉडी से फूड या अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसने बाहर जाना है, उसका क्या ट्रैक है, उसमें यह होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेबल फूड जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू ही माउथ तक आती है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको माउथ दिखाया गया, ठीक है, माउथ तक आती है और माउथ के थ्रू ही ये बाहर आ जाती है, यानी कि एक्सपेल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ये है इजेशन। तो ये हमने देख लिया सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एक दफ़ा हम इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने हाइड्रा के अंदर डाइजेशन को देखा और उसके डिफरेंट स्टेप्स देखे। सबसे पहले तो अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, सबसे पहले हमने ये देखा कि फूड किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ दीज टेंटिकल्स,
टेंटिकल्स के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा, उसके बाद हमने डाइजेशन को देखा, डाइजेशन के 3 स्टेप्स को देखा। डाइजेशन के बाद फिर हमने एब्जॉर्प्शन की बात की कि सेल के अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स हैं जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और फिर इसके बाद जो लास्ट फेज़ होता है हमारे पास न्यूट्रिशन का जो कि है इजेशन। तो इजेशन की हमने बात की कि इजेशन जो है वो माउथ के थ्रू ही होती है, और यही वजह है कि हम इसको कहते हैं कि ये एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये था डाइजेशन इन हाइड्रा।